दस्तक हुई है। दरअसल रायपुर घाटी में एक कार के सामने अचानक तेंदुआ आ गया और कार सवारों पर हमले का भी प्रयास किया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम अब तेंदुए की तलाश में जुट गई है। दरअसल कार सवार जो कि वहां सड़क से गुजर रहे थे और इसी दौरान वहां पर एक तेंदुआ दिखाई दिया और उस तेंदुए की तस्वीर सामने आई है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। देखिए किस तरह से सड़क पर घूमता हुआ नजर आया तेंदुआ। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त फोनलाइन पर मौजूद है। अमित, कब का और कहां का ये वीडियो बताया जा रहा है? आशीष, आपको बता दूं कि ये वीडियो रामपुर घाटी का बताया जा रहा है और बीते रोज का वीडियो है। जब रामपुर घाटी को क्रॉस कर रहे थे कुछ राहगीर, तो उनकी गाड़ी के सामने ये तेंदुआ आ गया और गाड़ी पर हमला भी करने का प्रयास किया है। जैसा कि तस्वीरों में नजर आ रहा है कि पहले तेंदुआ गाड़ी के सामने आता है और फिर घुर्राता हुआ नजर आता है, तो एक तरीके से कहा जा सकता है। लेकिन गाड़ी में सवार होने के चलते राहगीरों पर तो हमला नहीं कर सका है, लेकिन एक कुछ दिन पहले भी देखा गया था कि एक केएलआरएस क्षेत्र में भी तेंदुए को जो तार फेंसिंग होती है उसमें उलझ करके मौत हो गई। तो ये तेंदुए लगातार दस्तक दे रहे हैं जिले में। फिलहाल जो सूचना है वन विभाग के पास पहुंची तो तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि उधर मावदा राष्ट्रीय उद्यान और कूनो नेशनल पार्क दोनों ही जिले की सीमा से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि दोनों में भारी मात्रा में तेंदुए हैं, तो वो घूमते फिरते हुए आ जाते हैं जिले में और इस तरीके से कई बार देखा गया है कि कई लोगों पर हमला भी तेंदुए ने किया है। और बीते रोज फिर से देखा गया है कि राहगीरों की कार के सामने तेंदुआ आया था। हालांकि अब वन विभाग की टीम है वह इसकी तलाश में जुटी है और जल्द ही वो इसका ऑपरेट पकड़ करके कूनो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान में छोड़। तस्वीरें हैं ये निश्चित रूप से चिंता की बात तो है क्योंकि सड़क के ऊपर तेंदुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल वन विभाग को इसमें सक्रियता दिखाने की आवश्यकता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। कार सवारों पर एक हमले की भी कोशिश, ये देखिए कैसे तेंदुआ झपट कर आता है और फिर कार के बम्पर से अपने अगले दोनों पैर टिकाकर हमला करने की कोशिश करता है। अब धमतरी में बस में लटक कर सफर करते हुए एक शख्स का वीडियो सामने आया है। नेशनल हाईवे 30 पर कुरुद से रायपुर जा रहे एक शख्स को आपको दिखाएंगे जो कि बस के पीछे लटका हुआ है और टिकट के पैसे बचाने के लिए उसे अपनी जान तक से भी खिलवाड़ नहीं है। बस का ड्राइवर जिसे इस हरकत का कुछ भी आइडिया नहीं था, अभिषेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया। अभिषेक, क्या है ये पूरी कहानी और ये शख्स कौन है? आशीष, ये शख्स कौन है ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में इस युवक ने अपनी जान दांव पर लगा दी। ये जो वीडियो है छत्तीसगढ़ की राजधानी और धमतरी के बीच का है। MH-30 पर ये बस जा रही है रायपुर की ओर और ये युवक पीछे लटक कर सफर कर रहा है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को भी इसका अंदाजा नहीं लगता कि इस तरह से कोई बस में पीछे लटका हुआ है, लेकिन पीछे जो बस खड़ी थी उसमें जो लोग बैठे थे उन्होंने इसका वीडियो अपने मोबाइल से बनाया है और तब ये मोबाइल का जो वीडियो सामने आया है। लेकिन हैरान करने वाली बात है कि जिस MH-30 पर हादसों के लिए बदनाम है, लगातार हादसे होते हैं वहां, कोई इस तरह से स्टंट कर सकता है या पैसे बचाने के लिए लटक कर लंबी दूरी का सफर कर सकता है? फिलहाल आपको ये बता दूं कि इस युवक का गनीमत है कि वो किसी घटना का शिकार नहीं हुआ, दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ और उसे जहां पहुंचना था वो शायद पहुंच भी गया। इस वीडियो की काफी चर्चा धमतरी में हो रही है। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और अब बात नेताजी के ठाट की। दरअसल नेताजी विधायक बनने के बाद अब कार की सवारी करने लगे। जो विधायक पहले खुद को गरीब कहते थे, अब उन्होंने 30 लाख की कार खरीदी है। ये